वक्त जून ने डिबेट टीम में हिस्सा लिया और मिस्टर जैंग का लाडला बन गया। डिग्री मिलने से पहले एक बड़ी लॉ फर्म में इंटर्नशिप मिल गई। मिस्टर जैंग की सिफारिश से यूनिवर्सिटी का अवर डिबेटर बना जून उसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना गया। धीरे धीरे उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए। एक दिन देखना, मैं उसकी नकल करके उसको अपने लिए काम कराऊंगी। डिबेट टीम ज्वाइन कर काउंसिल ज्वाइन कर पिताजी को ल्यूकेमिया से बचाना है, जून की लाइफ को चुराना है, मुझे बहुत ऐसे ही करना है। तुम लोग इतने शांत क्यों बैठे हो? हे रिन, क्या ये तुम्हारी फैमिली फोटो है? वाह, तुम 10 साल की भी नहीं लग रही हो इसमें। ये क्रिस्टल नेकलेस तुमने तब से पहना हुआ है, मुझे तो कुछ खास नहीं लगता, पर तुमने इतने साल से पहन रखा है, कमाल की हो तुम तो। असल में ये मुझे जुंदी ने दी है। बचपन में हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे। जुन, तो ये जुन है क्या इस तस्वीर में? हाँ। ओह, यानी तुम दोनों सिर्फ साथ में बड़े ही नहीं हुए हो, बल्कि आज तुम दोनों सातवीं क्लास में भी हो। कोई रोमांटिक पिक्चर के हीरो हीरोइन की तरह लगता है। असल में एक यूनिवर्सिटी में होना, उस वक्त उसने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तुमसे पूछा था? मतलब ये उनकी प्लानिंग है सब, ताकि वो तुम्हारा दिल जीत सके। तुम उसे पसंद करती हो ना? बहुत हुआ, चलो कपड़े लेकर आते हैं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ धोने में, चलो। मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो। क्या उसके दिल में एक छेद है? क्या कह रही है? प्यार के लिए लॉ की पढ़ाई कर रही है, कमाल है जुन। हाँ, मैं तो प्यार के बारे में सोचती थी उस वक्त, पढ़ाई के बारे में नहीं। अगर मैं जुन को जिन के साथ टाई अप कर दूं, तो मुझे मौका मिल जाएगा उससे और आगे निकलने का। सुन और जिन को मिलाना है, वो प्यार के मजे लेते रह जाएंगे और मैं लाइफ में आगे निकल जाऊंगी। बस लाइफ से यही चाहती हूँ मैं। मेरे कपड़े कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे ना। वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। कहाँ है वो? कहाँ?
ले गए क्या उसे? हाँ, सच में आजकल ऐसे अच्छे लोग कहाँ होते हैं। खून परी को बता जाओ। उसे तो खून भी कर रहा है। उस वक्त क्वैन को थाई में चोट लग गई। ब्राचोर पकड़ने के चक्कर में उसका सपोर्टिंग कैरियर तबाह हो गया। नेशनल टीम में सिलेक्ट होने से पहले उसका सपना टूट गया। पढ़ाई के बाद वो फिटनेस ट्रेनर के काम कर पाया। क्वैन को पहली नजर में जिन से प्यार हो गया था। इस हादसे के वक्त मेरी जैसी अव्वल जोड़ी बनाने वाली होने के बावजूद कुछ समय में उसका ब्रेकअप हो गया। तब से क्वैन प्यार में कामयाब रहा और जुन, जिसने प्यार के लिए लॉ की पढ़ाई को चुना, उसने हमेशा बॉस होने के फायदे उठाए और उसके प्यार को उससे छीनने का हमेशा बदला लिया मुझसे। चाहे दिल टूटे या मुझे चोट आए, चाहे क्वैन के लिए मेरे दिल में कुछ भी हो, इस बार मुझे प्यार को भूलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पर मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था गैलरी का, फिर भी चोरी हो गई। ऐसी बात है तो अब से हम गैलरी में कपड़े नहीं सुखाएंगे। ठीक है, ये बात तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम लोग करना। जरूर करेंगे। क्या मुझे एक डंडा या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना चाहिए? जरूरत नहीं है इतनी हिंसा दिखाने की। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो लियो, और तुम्हें जिन का ध्यान रखना है। मार्केट जाओ और कुछ खाने का सामान लेकर आओ, और सुनो, तब तक वहाँ रहना जब तक सुपरमार्केट बंद न हो जाए। और एक और बात, मैदान से दूर रहना, और जितना मैं कहूँ उतना ही करना। ठीक है, जाओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी चलो ना। रुको, मेरा पीछा करना बंद करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये फिर आ गई। चोर, 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 पकड़ो, पकड़ो इसे। छोड़ दो मेरा पीछा। पकड़ो, पकड़ो, चोर, रुक, रुक, पकड़ो। रंगे हाथों पकड़ा गया। बताओ कौन से डिपार्टमेंट से हो, बताओ मुझे। ये वो नहीं है, उसने तो मास्क पहना हुआ था, और इसका, मैं तो कह रही हूँ इसका पैंट भी अलग है। ये पैंट भी नहीं है। ये नहीं है, इसने टोपी भी पहनी है और इसके हाथ में थैला भी है। और नहीं, नहीं, नहीं। सुनो मैम, सच में ये वो नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा उस चोर को। चोर ने हाथ में बैग थमा दिया, हम लोग तो सिर्फ वॉक कर रहे थे और डिनर पर जाने वाले थे। सच में? ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैम, मैं सच में इसे नहीं जानता। लॉ की स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुमने रूल तोड़ा है। देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, और तुम खाना खाने जा रही हो तो झाड़ू साथ में रखती हो क्या? हाँ, कौन विश्वास करेगा तुम्हारा, बताओ मुझे। सुनो, अभी ईमानदारी दिखाने का समय नहीं है। तो तुम कबूल करते हो कि तुमने ब्रा चुराई है? सही के लिए। बिल्कुल नहीं मैम। क्या मैं आपको ब्रा चोर लगता हूँ मैम? तो मेरी समझ में नहीं आता असली ब्रा चोर है कहाँ? हाँ, मुझे पता है। आगे ब्रा चुराने के बाद वापस आ गए फ्राइड चिकन बनाने मिस्टर। ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तो दुकान में ही हूँ, कहीं नहीं गया। अच्छा, मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। हाथ इस तरह से बांध कर रखोगे तो सूजन आ जाएगी। तुम भले अभी मना करो, पर कल पुलिस आएगी और झाड़ू पे लगे टिश्यू के साथ तुम्हारी चमड़ी को मैच करेगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुमने अपने गद्दे के नीचे क्या छुपाया। आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि 11 साल पहले मैं गई थी क्वैन के साथ पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने की कैसे उसने चोरी की। उसने क्वैन का करियर बर्बाद कर दिया। अगर वो मर भी गया ना तो भी मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं अंतर्यामी हूँ ना। लेकर जाओ इसे पुलिस के पास। लेकिन मालदार हो जाती अगर यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती तो। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ देखिए मैम, यहाँ देखिए एक तरफ। हाँ, बढ़िया है। इसके हाथ पे तो
बहुत अच्छा फ्रेम है। तुम्हारा हाथ पहले ही खत्म हो गया। अरे इसे क्या हुआ? जब तक कॉइन वापस से जिन से नहीं मिल जाए मैंने शायद इतिहास बदल दिया। बेहोश हो गई है। मैं तुम्हें अंदर लेकर जाता हूँ। इसे देख रहे हो, तुम्हारी आंखें निकल के बाहर गिर जाएंगी। एक सुंदर सी परी। ए, तुम्हें पता है कौन है? अगर वो परी है तो मेरे जैसे आम इंसान को कैसे पता होगा? मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी से नहीं है। अब घूरना बंद ही करो, हमें और भी सामान लेना है। चलो जरूरी है, अगर अभी नहीं कहा तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। भूलना मत, तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट आई है। वो तो मेरा नसीब बच्चा था इसलिए बच गई मैं, वरना मुझे क्या होता पता नहीं। तो मुझे तुम्हें डेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आगे चल के मेरी जिंदगी में तुम कभी रुकावट मत बनना। अगर मेरे साथ मिलकर लॉ फर्म शुरू करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, पर केसेस मैं सेलेक्ट करूंगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? हाँ, हमें आगे चलकर मिलकर रहना है। अगर मैं बहुत आगे निकल जाऊँ तुमसे तो भी तुम्हें मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। और कुछ? हाँ, मुझे पता है तुम कभी क्लास मिस नहीं करते, मेरे रोल नंबर पर आवाज लगा लेना। और कुछ? हाँ, मुझे समझ नहीं आया तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए। रुको, ये रास्ता तो हॉस्पिटल नहीं जाता है। रुको, मैंने कुछ शर्त रखी, इसकी वजह से तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। मैं कह रही हूँ तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे बहुत चोट लगी है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे उतारो। तुम सच में चिल्लाती बहुत हो, दिमाग बिल्कुल खाली है तुम्हारा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा और इतनी सी चोट के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है? साथ में मेरा पूरा हाथ काटना पड़ेगा। सच में? देखो हाथ से खून भी नहीं निकल रहा है और तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। अभी रुका होगा खून बहना। तब से रुका है जब से तुमने सारी शर्तें बतानी शुरू की थी। क्या अब तुम मेरी पीठ से नीचे उतरोगी प्लीज? मुझे नहीं पता, मैं बहुत डर गई थी। अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो टिटनेस लेना पड़ेगा। बस 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 बस, अपनी बकवास बंद करो प्लीज। मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा जानलेवा हो तुम। आगे से मुझसे दूर ही रहना, मेरे आसपास भी दिखना नहीं। और हाँ, तुम बहुत भारी हो, तुम्हें थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है। ओके? और हाँ, घूरना बंद करो, बहुत अजीब लगती है। मेरे साथ बॉयज हॉस्टल में चलो। मुझे क्यों ले जाना चाहते हो अपने साथ? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कह देती हूँ भले मैं घायल शेर नहीं हूँ, पर बकवास बंद करो। मेरा हाथ! अरे छोड़ो मेरा हाथ, घाव का छुओगे तो मेरा पूरा हाथ सड़ जाएगा। चुप रहोगी? मेरे साथ चलो चुपचाप। अच्छा हुआ उसने तुम्हारी नस नहीं काटी। एक हफ्ते तक इसे पानी मत लगने देना। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, पर अगली बार इतनी एक्साइटेड मत हो जाना। तुम तो सच में पागल हो। तुम्हें नहीं पता था ऐसे करने से तुम्हें चोट लग जाएगी? मैंने सच में नहीं सोचा था, क्योंकि तुम मेरे काम की सबसे बड़ी रुकावट हो। ये अपने आप लगा लेना। हाँ, कितनी प्यारी बैंडेड है तुम्हारे पास। सही है, बाहर से कड़क अंदर से नरम। अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान रही हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी मॉम को भी ऐसी वाली पसंद थी। हाँ। मैं भी यही लगाता था। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ये मुझे चाहिए, प्लीज मुझे दे दीजिए। वे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैडम, मैं पुलिस को स्टेटमेंट देने गई है।
उन्होंने कहा ये तुम्हें देने को। ओके थैंक यू। हाँ क्या है वो? तुमने चोर को पकड़ा तो अब तुम ये जिन को दे देना। हाँ अरे ये तो मेरी है, अब मुझे जाना चाहिए, गुड नाइट। रुको रुको, अपने हाथ का ध्यान रखना। मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी पनौती हूँ। ऐसा करो, तुम अब हार मान लो और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे छुटकारा पा सकते हो। हाँ शाम का क्या प्लान है तुम्हारा? बकवास बंद करो अपनी। तुम जानती हो तुमने किस चालाकी से इनके वोट हासिल किए हैं? कौन सी चालाकी? अगर तुम जीतो तो तुम लायक हो, और अब जबकि मैं जीती हूँ तो मैंने चालाकी की है। वही ही एक अंतर्यामी है हमारे स्कूल में, तो हम उसे अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे। वही ये तुम्हारे लिए। सुंदर फूल है ना, देखो कितना सुंदर है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैं नाश्ता करूंगी। पर लू का वाइस प्रेसिडेंट होना ही अच्छी बात है, वो सारे काम करवा देगा। प्रेसिडेंट ये देखो, सब लोग रेन रेन नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, ये तो वायरल हो गया। सब लोग कह रहे तुम अपने सारे प्रेडिक्शन में सही होती हो, और तुम बहुत बहादुर भी हो, तुमने किसी की जान भी बचाई। दूसरे स्कूल के बच्चे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। प्रेसिडेंट बड़ी बात नहीं। मेरा हाथ देके मेरे बारे में बताओ ना तुम। हाँ कुछ मदद करो ना मेरी। प्रेसिडेंट मैंने आपको वोट दिया है, इसी खुशी में कर दो मेरे लिए, मेरा कुछ भला कर दो ना। क्या इस साल मुझे कॉन्सर्ट की टिकट्स मिलेंगी या नहीं? मेरी कुंडली इसके साथ मैच होगी कि नहीं ये भी बता दो ना प्लीज। धीरे बोलो जरा। असल में ये सब मेरी शक्ति नहीं है, मेरी खूबियों में से एक है। मेरी दूसरी शक्ति जैसे मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे। क्या तुमने अपना दिमाग चेक करवाया है? जागो, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। हाँ जब तक मैं जी रही हूँ सपने देखने में क्या बुराई है। विश्रम की कविताएं, क्या बात है। मैं तुम्हें बता दूं, अगले महीने ही इन्हें लिटरेचर पर नोबेल प्राइज मिलने वाला है, तुम्हें पता है? इसे पसंद करने का कोई फायदा नहीं, ये जो नमूना तुमने पसंद किया है आज तक इसे एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। तुम सुनो, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ जगह रखी है, जाकर पढ़ाई करो। ये चीजें हो गया तुम्हारा?
बड़ा झंझन। क्या तुम्हें अपना प्यार से भरा भविष्य जानना है? अगर तुम मुझे बताओ तो मैं बता सकती हूँ। मुझे उन बातों में दिलचस्पी नहीं है। क्या मुझे नहीं पता कि तुम जिन की वजह से ग्वान ग्वान यूनिवर्सिटी आए हो, उसके एप्लीकेशन के बाद में ही तुमने भी तय किया कि तुम यहाँ आकर अप्लाई करोगे। देखो, मुझे टीचर ने इंक्वायरी करने के लिए भेजा था एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स के स्टूडेंट के एप्लीकेशन के बारे में। मर्द है, कबूल थोड़ी करेगा। इसकी बातें मुझे सब पता है। इस वक्त तुम डेट नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे भी नहीं करोगे। आज तुम उसके पीछे नहीं गए तो तुम उसे खो दोगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। है तुम्हारी मर्जी। 11 साल बाद जब तुम कुंवारे रह जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। 11 साल के बाद भी हम साथ होंगे? देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डेट करूंगा क्योंकि तुमने मुझे उस चोर से बचाया था और उसकी वजह से मैं तुमसे प्यार करूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? तुम बताओ, तुमने मेरे लिए जगह रखी, मेरे कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में मेरी सारी जानकारी हासिल की, आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें ये जाना कि मुझे माओगाम पसंद है, तुम्हारी हरकतों से और क्या सोचेंगे? सुनो, सिन ने मुझसे कहा था तुम दोनों के लिए सीट्स रोकने के लिए। बात समझ आई? अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? अकड़ू कहीं के मत मारी गई है क्या मेरे पीछे? क्या कहा तुमने मुझे अकड़ू? सुनो, ये सच में पागल है। ऐसे अकड़ू तो ऊपर इतना भी नहीं। हेलो, मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा क्लीनर है। अगली बार तुम्हें दे दूंगी। ओके। शायद वो कपड़ा चोर है, हमसे बदला लेने आया है क्या? अब हम क्या करें? सेन, जाके मैडम को बताओ, मैं इस पे नजर रखती हूँ। ठीक है, पर तुम संभल के रहना। यहाँ नए हैं और रूल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं ना, हमारी पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज। वैसे तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना? हाँ हाँ मैडम। अच्छा, बाजू हटो। क्या है ये, कब्जा कर लूं? ये सब तो मेरी रोज की जिंदगी की तरह है। बिल्कुल, मेरी सहानुभूति है। हॉस्टल में घुसकर लोगों को मारती हो, गैर कानूनी चीजें रखती हो। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं सेमेस्टर शुरू होकर, इतने ही दिनों में इतने कांड कर दी, और ऊपर से तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो और तुम दूसरों के लिए हीरो हो। अभी यही तुम्हारा असली रूप है? ये सब गलतफहमी की वजह से है। अच्छा, इतने कायदे तोड़े हैं कि एक मिनट में यहाँ से निकाल दी जाओगी। तुमने तो हद कर दी है। मेरे नसीब में तुम लोग कहाँ से आ गई हो? मिस्टर जैन, सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है, सबको सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मिस्टर जैन, अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बंद करो, ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर। अरे सर, मेरी बात मानो सर, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। कितना भारी हाथ है, मेरा कंधा ही तोड़ डाला। 90% स्टूडेंट बदतमीज ही होते हैं। तुम तीनों मैदान में जाकर फ्रॉग जम के 5 चक्कर लगाओ, और सिर पर कुर्सी रखकर तुम्हारी इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। इस बार के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। थैंक यू। मुझे और काम है, मैं किसी और स्टूडेंट को बोलता हूँ, वो तुम तीनों के ऊपर निगरानी रखेगा। चीटिंग मत करना। नहीं करेंगे। मैं इतने सालों में मिस्टर जैन की विद्यार्थी रही हूँ और मुझे पता है कि वो बाहर से कड़क है, अंदर से नरम है। उन्होंने कहा कि वो एक स्टूडेंट को कहेंगे नजर रखने के लिए। दे, कुर्सी ऊपर पकड़ो, ऐसा करोगी तो उम्र निकल जाएगी पूरा करने के लिए। इसे क्यों भेजा है नजर रखने के लिए? कितनी आंखें हैं इसकी, सब दिख जाता है उसे। ये दूसरों की बराबरी में बहुत तेज है। मिस्टर जैन ने इसे क्यों भेजा? ये सब तुम्हारी गलती है,
अगर मुझे मारा नहीं होता तो ये तमाशा नहीं होता। अपने कमरे का ध्यान रखना कहते हैं उसे, अगर हम नहीं होते तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कर दिया होता। एहसान मानो हमारा। हे, तुम सच्चाई से भटक रही हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, तुम दोनों चुप रहो। लोग थक गए होगे ना, तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आई हूँ। बस करो अब तुम लोग। सुनो लो, स्पोर्ट्स में भी तो ब्रेक होता है ना, इन्हें ब्रेक दे सकते हो क्या? कुछ ठंडा पी लेंगे तो थोड़ी थकावट मिट जाएगी, एनर्जी आ जाएगी इनमें। ठीक है, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वही चियोन। मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का। मुझे सच में नहीं मालूम था कि तुम मेरी बहन की रूममेट निकलोगी। मेरा नाम कियान चुआन है। किसी को नहीं जाना है तुम्हारा नाम। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हो? शॉपिंग स्टोर में मिले थे एक बार। मैं मोजिन हूँ, तुम मुझे इनकी तरह जिन बुला सकते हो। कोई जरूरत नहीं है, ये किस्मत है, इसमें क्या हो, इससे कोई नहीं बच सकता। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। सुनो लो, मैं इनके साथ स्टार्ट करूँ? मेरे करने से इनके एक चक्कर कम हो जाएंगे ना? जरूर, हर एक के लिए 5 चक्कर है, सबने 2 चक्कर पूरे किए हैं तो टोटल 9 चक्कर बाकी है। अभी तुम करती हो तो हर एक को 2.25 चक्कर लगाने होंगे। सीधा सीधा राउंड फिगर 2 चक्कर कर दो ना, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है लगाने में। तकलीफ क्यों होगी, मैंने 2.25 चक्कर नाप के रखे हैं तुम्हारे लिए। इस जगह पर पहुंचते ही तुम्हारे 2.25 चक्कर पूरे हो जाएंगे, समझ गए? बस तुम रहने दो दिन, तुमने गलती नहीं की है। तो क्या हुआ, तुम ज्वाइन करोगी? हाँ, हम सब फ्रेंड्स हैं, मैं इनका साथ दूंगी। बेटी हो गई हूँ क्या? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चीटिंग मत करो, 1 चक्कर और बाकी है। ये आखिरी है, थोड़ा जिन को रुकने दो। अगर वो रुकी तो तुम्हें 0.75 चक्कर और लगाने होंगे। कितना निर्दयी है, सुंदर लड़की को भी तकलीफ में देखता है, इसलिए ही खेला है। मैं चक्कर लगा सकती हूँ। देखो वो कितना थक गई है, थोड़ा रहम नहीं कर सकते? उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, देखो उसे, उसके अंदर कोई दया नहीं है। अरे अरे, मुझे चोट लग गई मेरे पैर, मेरी कमर गई, मुझसे नहीं होगा, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके आओ। मैं मर रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे मुझसे नहीं होगा। लगता है अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। चलो अब कुर्सी उठाओ, मेरे सर पर रखो। चढ़ जाओ। ठीक है, मैं कर लूंगी। ठीक करो, चलो, चलो। क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया है तो पूरा करना पड़ेगा। अपनी बहन को कुर्सी दो। कुर्सी का क्या करूंगी मैं? दिल, तुम ही चल जाओ। तुम्हारा इरादा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम अपने आप को देखो, सांड से भी ज्यादा मजबूत हो।
मुझे मरना है क्या तुम्हें पीठ पे बैठा के? तोड़ दे कमर इसकी। थैंक यू। आराम से। चलते हैं। तुमने इतनी देर तक मुझे अपनी पीठ पे उठाया। शारीरिक ताकत हर स्पोर्ट्समैन का बहुत ही बड़ा हथियार होता है, और मैं तो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ, और ऐसी कसरत मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तुम कहो तो और भी ले जा सकता हूँ। फेंकना बंद करो, वी ने मुझे बताया है कि तुम कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं आए। श्यून, तुम अपना मुंह बंद करो। क्यों, गुस्सा आया? इतने बड़े हो पर हरकतें बच्चों वाली हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे जिनको हंसी तो आई। क्यों, कितने जिप्पो हो तुम, बिल्कुल ही पीछे पड़ गए हो तुम। उल्टी मत करना। क्या है, क्या कर रहे हो? मेरा पैर। मेरे कंधे पे क्यों गिरी तुम? जान बूझ के नहीं किया मैंने। वैसे भी मेरी बहन को रात में दिखाई कम देता है। कुछ भी, इतनी रोशनी है यहाँ, सब कुछ तो साफ दिख रहा है। बस कर अब। अरे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे क्यों कर रही हो? रुक रुक, पागल हो क्या? भाग। अरे रुक ना, छोड़ो मुझे। छोड़ समझा? चलो चलो, पकड़ते। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मेरे पास में क्या कर रही हो? मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे सच में सब दिखता है। तुम आज इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? तुमने आज सजा में भी हमें सपोर्ट किया। अंतर्यामी को गलत साबित करने के लिए मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। सुन, एक और बात, अगले 10 साल में भी तुम सिंगल रहोगे, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। है, तुम्हें उठा के थक गया हूँ मैं, वजन भी कम हो गया होगा मेरा। लेट क्यों गए तुम? उठो जल्दी, वो किसी दूसरे के साथ खेल रही है, जाओ वहाँ। देखो तुम ना चाहते हो कि नहीं? नहीं। फर्स्ट आए हो? जब हम अप्लाई करते थे तो कोई सिलेक्ट करे उसी का इंतजार करते थे, और तुम्हें तो सारे सिंगर चाहते हैं कि तुम उन्हें ज्वाइन करो। तुम तो कमाल हो यार। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ अगर क्लास में टॉप किया है? तुम्हें पता है वी ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया है। तुमने नेट पे चेक किया? वी ही वो अंतर्यामी है जिसने कपड़े चोर को पकड़ा है। पता नहीं लोगों को दूसरा आकर के क्या खुशी मिलती है, मुझे से टॉपर को तो समझ नहीं आता। ऐसा है कि हमें तो एक ही मौका मिलता है, मुझे तो बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। बिल्कुल। मैं जानता हूँ तुम लोग क्यों टपक पड़ते हो हर वक्त। गलत फहमी है तुम्हारी। सबको पता है कि डिबेट सोसाइटी एक प्रख्यात जगह है, तो मिस्टर चैंग सबसे बेस्ट डिबेटर को ही भेजेंगे लॉ फर्म्स के लिए। तो शायद तुम्हें पता होगा कि डिबेट टीम सबसे कॉम्पिटिटिव जगह है, और वहाँ बहुत कम सीट्स अवेलेबल है, और तुम्हारे जैसों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी उंगली नीचे करो। एक और भविष्यवाणी बताती हूँ तुम्हें, वो मैं ही हूँ जो इस साल टॉप करेगी, और डिबेट टीम के नई कैप्टन मैं ही बनूंगी। विश्वास नहीं होता तो शर्त लगा लो, अगर तुम हार गए तो मुझे अपनी बहन कह देना। कितना बचपना है तुमने, तुम नहीं सुधरने वाली हो। तुमने भी है। हे यही लुजुन,
लूजन है कि लूजन डिबेट टीम में कैप्टन था स्कूल में, तुम्हारा पाओ क्यों से? अच्छा सुनो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ भैया, हाँ कोई बात है? ये हमारी फैकल्टी के स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। हाँ ठीक है, अगर तुम हमें नहीं देते हो तो आज हम यहाँ तुम्हारे प्रेसिडेंट को मैसेज देने आए हैं। हम फिजिक्स की लड़कियों की तरफ से उसके लिए चैलेंज है, हमारी नज़र है उस पर और वो हमारे डिपार्टमेंट का जमाई बनेगा। चलो। कौन है ये प्रेसिडेंट यहाँ का? तुम्हें यकीन है तुम उसको हरा पाओगे? हे, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम उसे हरा पाओगे डिबेट कंपटीशन में? कोई शक नहीं है उसमें, जब तक कि कोई अड़चन ना आ जाए मेरे रास्ते में। चलो हो गया, थैंक यू, चले। और ये लड़का अनदेखी अड़चन है, जाड़ी चमड़ी का है। उस वक्त डिबेट टीम के कैप्टन की हैसियत से ली चोंगवोन ने टीम को लीड किया था और हाइजियंस की कई टीम्स को हराया था। उसके बहुत फैंस भी हैं। अगर मुझे आगे पढ़ना है तो मुझे इस उलझन से उलझना ही पड़ेगा। क्या इत्तेफाक है ज्ञानवे, तो इस बार अपने हाथ नहीं अपने जुबान का इस्तेमाल कर रही हो? ठीक है चलो शुरू करते हैं, बताओ। क्वेनवेन जूनियर हूँ आपकी फैकल्टी से, मेरी हॉबी है बातें करना, लोगों को पीटना जैसे आपने बताया था। इतने साफ बोलती हो, डिबेट टीम क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? आपकी वजह से प्रोफेसर जैंग। तुम मुझे जानती हो? आप हाइज्यू के बेस्ट बिजनेस लॉयर हो, 2008 में आपने हाइज्यू लैंड केस जीत कर अपना सिक्का जमाया। आपने कितने कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट पर काम किया है, फिर आपने टीचर बनने का सोचा, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके 4 स्टूडेंट मशहूर लॉ फर्म्स में हैं। मैं भी आपकी वजह से यहाँ आई हूँ। सच कहूँ आज तक मैंने इतनी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी। मुझे ताज्जुब हो रहा है, कॉलेज की शुरुआत में तुम्हें इतनी जानकारी है, लेकिन मैं कभी भी लड़की स्टूडेंट को नहीं सिखाता, तुम्हें निराश करने के लिए सॉरी। मैं समझती हूँ, पर शायद आप मेरे लिए एक्सेप्शन कर सकते हैं। हे, बहुत हो चुका अब तुम्हारा। तुम्हारे लिए एक्सेप्ट क्यों करूँगा मैं? मुझे पता है कि आप लड़कियों को क्यों ट्रेन करते हो। आपकी फेवरेट स्टूडेंट एक लड़की थी और वो बहुत होशियार भी थी, पर 4 साल बाद उसने शादी करके घर बसाने का तय कर लिया और फिर उसने अपने कैरियर को अलविदा कह दिया। आपको लगता है लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, प्यार के लिए कैरियर छोड़ देंगी, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। देखो लड़की, तुम अभी अपने पहले साल में हो, इतनी जल्दी कुछ कहना मुश्किल है। उम्मीद है आप जल्दी में जज नहीं करोगे। प्लीज एक मौका दीजिए, मुझे डिबेट टीम में शामिल कीजिए और मैं साबित कर दूंगी आपको। 3 बातें बताओ जो एक कामयाब वकील बनने के लिए जरूरी होती हैं। ईमानदारी और दया, ज्ञान और दिमाग और सेहत भी। फिटनेस का ध्यान रखना। सेहत और फिटनेस, मेरे हिसाब से वकील का पेशा दिमाग पे काफी बोझ डालता है और हमें अपनी एनर्जी बनाकर रखनी पड़ती है। हमारी मानसिक शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है, हर वक्त चौकन्ना रहना है ताकि हम अपने क्लाइंट्स को नाराज ना करें। तुम्हें लॉ पढ़ना क्यों पसंद है? डेस्कार्ट्स की वजह से है। एक अच्छे दिमाग का ही होना काफी नहीं होता है, जरूरी है तुम उसका इस्तेमाल सही जगह पर करो। कमाल है, चोंगवेन पिछले साल उसी कुर्सी पर बैठा था और जब मैंने उससे पूछा था तो उसने यही जवाब दिया था। चोंगवेन, ये स्टूडेंट कुछ तुम्हारे जैसी ही लगती है मुझे। इसे इसकी मंजिल पता है, काफी महत्वाकांक्षी है, पर तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कर दिया मैंने।我还有无数事情要
要去做，无数的可能性都会逼着自己去做，还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你，即使一直以你的灵魂我也如此珍惜，你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Baby， 我会为你抵抗全世界，相遇一百多道老线，说环游全世界，任何地方有你在就是我的全世界，我就是你的，才会撑起你整个世界，给你整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘、yeah、躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中，我与生共是你一把心事有连在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can have it on a feeling. 他需要我再 help through 你，知道 how much I love you， 余生都是你。